अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डॉक्टर सुमैया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है आजकल देखने के लिए, और लोगों को इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली होती किस वजह से। सो अक्सर हम लोग, हमारी एक मिनिएचर है लकड़ी का, इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अक्सर हम लोगों के साथ होता है जब हम लोग उठ के बैठते हैं तो हमारे जॉइंट्स क्रैक होते हैं, उसमें से खट से आवाज़ आती है। मुझे मेरे पेशेंट्स पूछते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव पूछते हैं कि अरे मेरे घुटने में से आवाज़ आ रही है बैठने के टाइम पे, तो ये नॉर्मल है क्या? तो यूजुअली आप बेफिक्र रहिए, जॉइंट के अंदर क्रैकिंग साउंड आना इससे आपका ये मतलब नहीं है कि आपको आर्थराइटिस हुआ है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये सेफ है। अभी ये होता कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये मेरे पास एक हड्डी का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये हाथ की हड्डी है। ओके, अभी ये जो दो बोन एक दूसरे के साथ जो अटैच होती है, तो इसके बीच में जॉइंट कैप्सूल होता है जो दोनों बोन्स को आपस में रगड़ने से बचाता है, और उसके ऊपर हमारी जो मसल्स के टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, और साइड में जो होते हैं ना वो टेंडन्स होते हैं, ताकि जॉइंट को फ्लेक्शन एक्सटेंशन में मदद करे। उंगलियों को मोड़ना है, स्ट्रेच करना है, तो उसमें मदद करते हैं। तो क्या होता है ना, जो लिगामेंट्स होते हैं जो दो हड्डियों को आपस में रोकने में मदद करते हैं, ताकि वो लॉक हो या फिर वो अनलॉक हो। ठीक है, जब हम चलना होता है तो हमारे घुटने को लॉकिंग होना ज़रूरी है, जब हमें बैठना है तो हमारा घुटना अनलॉकिंग होना ज़रूरी है, मतलब लॉक खुलना ज़रूरी है। तो जब ये लॉक खुलने या बंद होने की आवाज़ आती है, होता है, तब उसके अंदर से क्लिक से आवाज़ आती है। तो ये जो टेंडन होते हैं, ये जो लिगामेंट होते हैं साइड में, वो लिगामेंट के मूवमेंट की वजह से वो आवाज़ आती है, और ये बिल्कुल सेफ है, इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर आपके जॉइंट में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये आवाज़ आ रही है, और आपके सारे जॉइंट्स में आ रही है, और आपको साथ में जॉइंट के अंदर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेशंस भी आ रहे हैं, जैसे मेरा नी जॉइंट है, मैं आपको एक इसका एक्सप्लेन करती हूँ। ये नी जॉइंट है यहाँ पे, और कर 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 कंटिन्यूस उसमें से एक आवाज़ आ रही है। खास करके आपकी अगर उम्र भी ज़्यादा है, 40 के ऊपर है, 45 साल की उम्र है, और आपको ये दिक्कत अगर आ रही है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके जॉइंट में लुब्रिकेशन कम हो रहा है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है हमारे जॉइंट में जो चिकनाई होती है, जब वो चिकनाई कम होने लगती है तो ये आपस में रगड़ खाने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका, जितना भी हो सकता है अपने आप को एक्टिव रखना है। पूरा दिन बेड पे आराम करना, या हम सोचते हैं कि हम बेड रेस्ट ले लेंगे तो हमें ठीक हो जाएगा, तो नहीं। आपके जॉइंट को जितना आप मूवमेंट कराएंगे ये उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, और आपको जो आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस है फ्यूचर में वो कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको आपका वाटर इंटेक बढ़ाना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर फूड खाइए, और ड्राई फ्रूट्स अगर खा सकते हैं तो ज़रूर खाएं। उससे आपके जॉइंट को जो नेचुरल लुब्रिकेंट होता है, जो जॉइंट में चिकनाहट होती है, उसको बनने में मदद करती है। और एट द एंड अगर आपके जॉइंट अच्छे रहेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छी रहेगी। और हमारे जो घुटने हैं, खास करके इनका ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का वेट आखिर में हमारे घुटने पर होके ही पैरों में जाता है। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को वेट का प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप लोग वेट अगर अपना मेंटेन करके रखें, अगर सडनली वेट गेन हो रहा है, तो उन लोगों को भी घुटने के में दर्द की शिकायत या आवाज़ आने की शिकायत बढ़ सकती है। तो प्लीज़ आप अपना वेट चेक करें, वेट ज़्यादा ना बढ़े, और अगर हाई साइड पे तो आप एक्सरसाइज करके, वॉकिंग करके अपना वेट कम करिए। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में और वेट गेन, वेट लॉस के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि एट द एंड अगर आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा तो आपकी बॉडी में जो नी जॉइंट है उस पर प्रेशर कम होगा, उतने ही कम चांसेस होंगे फ्यूचर में आपके के घुटने का आर्थराइटिस बने। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मुझे और किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाना है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ जिसका आपको क्वेश्चन नहीं पता है, या आपको नहीं मालूम है कि ये किस वजह से हो रहा है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उस पर आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक्स अ लॉट।